नूह और मेवात के सांप्रदायिक हिंसा की आग गुरुग्राम के सेक्टर 57 में भी भड़की। यहां आप देख सकते हैं कि पीछे ये जो अंजुमन मस्जिद है इसे आग के हवाले कर दिया गया। रात के अंधेरे में यहां पर काफी बड़ी तादाद में कुछ हिंसक लोग पहुंचे जिन्होंने इस मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पुलिस यहां पर मौजूद है, बैरिकेडिंग लगाई हुई है और कल रात में जो हादसा हुआ उसके बाद ये पूरा जो एरिया है कॉर्डन कर दिया गया है और धारा 144 भी यहां पर लगा दी गई है। आपको दिखाए चलें कि अंदर से जो मस्जिद जली है इसको इस वक्त पूरा कवर कर दिया गया है। कुछ आपको टूटे हुए अवशेष कुर्सियों के या फिर जो टूटी हुई ईंटें हैं यहाँ पर बाहर गिरी हुई दिखाई दे जाएंगी। अंकित, आपको इस तरफ जो है जब उपद्रव हुआ उसके बाद यहाँ पे टूटे हुए कांच के टुकड़े जो हैं इस छोटे से केबिन में जो कांच था वो पूरा तोड़ दिया था वो भी दिखा रहे हैं इस वक्त। और कहा यही जा रहा है कि अंदर उस वक्त मौलाना साद और उनके साथ एक और शख्स थे। मौलाना साद की इस हादसे में मौत हो गई है। कहा यह जा रहा है कि उन्हें चाकुओं से भी मारा गया और जो दूसरे यहां पर इमाम के साथ जो अंदर थे वो इस वक्त आईसीयू में है। सवाल यही उठता है कि यहां पर ये जो मस्जिद है इसका जो लैंड अलॉटमेंट था वो कब से हुआ था और जो मेवात और नू का जो हिंसा का हादसा हुआ वहां पर इसकी आग यहां तक कैसे पहुंची, क्या कुछ लोगों ने इसको प्री प्लान करके सोच समझकर यहां पर उपद्रव करने की कोशिश की थी या फिर ये कुछ एक लार्जर प्लानिंग का हिस्सा था, ये बड़ा सवाल है। गुरुग्राम पुलिस इस वक्त उन लोगों को जो जिम्मेदार है उनकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको दिखाएं सीसीटीवी कैमरे भी है यहां पर एक साइड में और दूसरी साइड में भी आपको सीसीटीवी का कैमरा दिख जाएगा जिससे साबित हो सकता है कि जो लोग इसके पीछे थे, इस हिंसा के पीछे थे, उन्हें पकड़ा जा सकता है। लेकिन गुरुग्राम पुलिस की तरफ से इस वक्त इस पूरे हालात पर कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आया है जिससे पता चले कि यहां पर जो लोग इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं उनमें से कितने गिरफ्तार हुए हैं या हो चुके हैं। ये दूसरा सीसीटीवी कैमरा आपको दिखा रहे हैं। तो सिक्योरिटी की कमी नहीं थी इस एरिया में, ये एक सच बात है। लेकिन फिर भी यहां पर जो उपद्रव हुआ है, जो हिंसा हुई है, उसको लेकर यहां पर जो है पुलिस इस वक्त मौजूद है और क्योंकि यहां धारा 144 लगी हुई है इसको लेकर पुलिस यहां पर तैनात है। फिलहाल जो है गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जो लोग इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं उनमें से कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। अंकित खंडेलवाल के साथ गुरुग्राम से मिलन शर्मा।